दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है। आपको याद रखना चाहिए कि जब सेना के जवान ठंड में अपनी हड्डियां गलाते हैं और अपने सीने पर गोलियां खाते हैं, तब जाकर आपको और हमको एक सुरक्षित जीवन जीने की गारंटी मिलती है। जवानों का जीवन कितना कठिन होता है, इसका एहसास आपको नहीं होगा। इसके लिए आपको इन दुर्गम इलाकों को देखना चाहिए जहां हमारे जवान सीना तान कर खड़े रहते हैं। ये वो जगह है जहां आम इंसान जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको भी शायद अपने जीवन में कभी ऐसे इलाकों में जाने का मौका ना मिले, इसीलिए हमारी टीम ने आपके लिए इस दुर्गम इलाके की यात्रा की है। जी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। फ्री क्लाइंबिंग टीम मूव। We wear this flag with a sense of pride. 7 December ko hai Armed Forces Flag Day. In veeron ki yaad mein aap inhe apna dhanyawad pahuncha sakte hain Armed Forces Flag Day Fund ke zariye. हमें हमारे सोल्जर्स के सैक्रिफाइस का सम्मान है, इसलिए हर साल 7 दिसंबर को हम लोग आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाते हैं। एक दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आर्म फोर्सेस फ्लैग वीक के रूप में मनाया जा रहा है। इस एक हफ्ते में हमको और आप सबको हर रोज भारतीय जवानों को कुछ न कुछ रूप से शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे वो उनके बारे में याद करके हो, चाहे वो फ्लैग लगा करके हो। हम आज आपको भारतीय सीमा के उस हिस्से पर लेकर आए हैं जो अगले कुछ दिनों में बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब जाएगा। इस जगह के रणनीतिक महत्व और इस जगह के रखवालों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेप को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि इस जगह तक पहुंचने का रास्ता कैसा है। इस बार हमारी टीम ने दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों पर चलते हुए 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने का फैसला किया। हमने आपके लिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां की तस्वीरें देखकर आप भी यही सोचेंगे कि यहां हम सही सलामत कैसे पहुंच गए। यहां पर डोगरा स्काउट्स के बहादुर जवान चीन की सेना के सामने डटे हुए हैं। दिल्ली से चले हुए हमें 2 दिन बीत चुके हैं और अब हम पूह पहुंच चुके हैं। सतलुज के किनारे बसा हुआ पूह आसपास के इलाकों का एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र है। यहां तक आने का रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में गिना जाता है। यहां तक कि कुछ वक्त पहले एक विदेशी चैनल ने वर्ल्ड्स डेडलीस्ट रोड कॉन्टेस्ट में इस रास्ते को भी शामिल किया था। लेकिन हमारी मंजिल यहां से और आगे है, दक्षिण लद्दाख से सटे हुए एक इलाके में। दक्षिण लद्दाख यानी वो इलाका जहां चीन हमेशा घुसपैठ की हरकत करता रहता है। खूबसूरत रास्ते धीरे धीरे डराने लगते हैं। अगल बगल लगे बोर्ड हर समय सावधान रहने की चेतावनी देते हैं और ये हाल अभी अच्छे मौसम में है। कुछ ही दिन बाद ये रास्ते बर्फ से ढक जाएंगे। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार सड़क ठीक करने का काम करता रहता है, लेकिन इस ऊंचाई और मौसम में रास्ते लगातार खराब भी होते रहते हैं। सबसे खतरनाक है पहाड़ों से लगातार पत्थर गिरने की आशंका। यहां रास्ते में खड़े जवान गाड़ियों को खतरे से निकालते रहते हैं।
लेकिन यहाँ पहुँचने पर डोगरा स्काउट्स के जवानों के जोश को देखकर एहसास हो जाता है कि ये किस मिट्टी के बने हैं। यहाँ इस ट्रेनिंग का असर केवल सुरक्षा और युद्ध के कौशल के लिए ही नहीं है, बल्कि माउंटेनियरिंग, यहाँ से बहुत अच्छे माउंटेनियर्स निकलते हैं। यहाँ एवरेस्ट बैज, यानी जो एवरेस्ट चढ़ने पर जो एवरेस्ट बैज मिलता है, यहाँ कई लोगों के ऊपर लगा मिलता है। कितने लोग हैं जो आप में से एवरेस्ट चढ़ चुके हैं? हमारी यूनिट में अभी तक 9 लोगों ने जो है एवरेस्ट में सबमिट किया है, जिसमें से हम 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, सुबेदार बलवंत, सुबेदार रेगजिन दोरजे, और जो बाकी एक मैं हूँ, और 5 लोग जो है अभी हमारे रिटायर जा चुके हैं। तो टोटल हम हमारी यूनिट के 9 लोगों ने जो है एवरेस्ट को अभी तक समिट किया है। यहाँ पहाड़ों में तेज हवा और ठंड सबसे बड़ी चुनौती है। डोगरा स्काउट्स के जवानों को इन्हीं पहाड़ों पर रफ्तार से चढ़ना उतरना, अपने ठिकाने बनाना और दुश्मन पर हमले करने का लगातार अभ्यास करना होता है। ये अभी सर्दियों की शुरुआत है, बहुत शानदार दिन है, कड़कती हुई धूप निकली हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ काम करना इतना मुश्किल हो रहा है कि हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, चेहरा पूरी तौर पर ठंडा हो रहा है, और आगे अभी कम से कम मार्च तक इनको, डोगरा स्काउट्स जो यहाँ पर तैनात रहेगा, उनको बहुत ज़्यादा बुरे मौसम का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ सूबेदार मेजर पवन सिंह साहब हैं। पवन सिंह साहब, अभी सूरज भी है लेकिन उसके बाद भी ठंड बहुत महसूस हो रही है, अभी यहाँ का क्या टेम्परेचर? अभी यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 4-5 डिग्री रहता है। अभी 4-5 डिग्री होगा? यस सर। और रात के टाइम तकरीबन 8-9 डिग्री में गिर जाता, -8-9 डिग्री रहता है। यानी अभी आज रात भी 8-9 डिग्री, -8-9 डिग्री रहेगा। अभी जब आप शुरुआत में ये होगा, बाद में क्या स्थिति होती है? बाद में तकरीबन जनवरी फरवरी के महीनों में यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -15 से -17 तक चला जाता है, और आगे जो पोस्टों में हमारे जवान रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर -22 के तक चला जाता है। यहाँ ज़ंस्कर रेंजेस में शाम हो रही है और ठंड बढ़ती जा रही है। अब मेरी जो नॉर्मल जैकेट्स थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, और अब हमने स्पेशल क्लोथिंग का सहारा लिया है, क्योंकि मेजर मानवेंद्र डेका ने बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर शाम को अभी और काम करना है, डोगरा स्काउट्स के जीवन की थोड़ी सी और झलकियाँ देखनी हैं, तो मुझे स्पेशल क्लोथिंग पहननी पड़ेगी, उसके बगैर वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मेजर डेका, मुझे उम्मीद है कि अब विंटर क्लोथिंग मेरी परफेक्ट है। अभी भी आपका विंटर क्लोथिंग कम्प्लीट नहीं है, अभी भी आपको एक फेस मास्क की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इतना ठंडी बर्फीले जगह से जो हवा टकरा कर आती है, तो उससे आपको चिलब्लेन होने की चांसेस रहता है, तो इसलिए आपको फेस मास्क, ग्लव्स ये कंप्लीट पहनना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर अभी और भी नीचे गिरेगा। जिन जवानों को ड्यूटी से छुट्टी मिली है उनके लिए खुद को तरोताजा करने का थोड़ा मौका है। कुछ दूसरे जवान खुद को फिट रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जवानों की लाइन यानी रहने की बैरक को बुखारी के जरिए गर्म रखा जाता है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्णमोहन मिश्रा, सी मीडिया, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।